हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग्स लेके हम आ गए। फ्रेंड, ये क्लीनिंग ब्लॉग्स है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ब्लॉग्स को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर यानी फेस को जब भी आप क्लीनिंग करिए तो फेस को कवर कर लीजिए, जिससे धूल डस्ट अंदर ना जाए। और मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो पूरे फेस को कवर कर लेती हूँ। और क्या है फ्रेंड के, ये मेरा जो किचन है तो ओपन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि धूल डस्ट पूरा तेल के जो चिपचिपा वो रहता निकल रहा है, वो पूरे डब्बों में यानी कंटेनरों में जम जाता है। तो यानी 15 यानी 1 महीने में सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मेरे को यानी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सब कंटेनर वगैरह डेस्क से निकाल लिए हैं, अभी यानी जाले वगैरह जो हैं उनको झाड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं। इधर साफ कर दिए हैं, और अलमारी में ये एक यानी टाँड में पेपर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या रहता है, नीचे जो धूल डस्ट है तो नीचे नहीं जमता है, इसलिए नीचे पेपर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से सब जमा देते हैं, और इन डिब्बों को साफ साफ जो तेल जमे हैं इनमें तो उनमें डिब्बों में तो उनको साफ करके फिर रखेंगे। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हम विनेगर ले लेते हैं और लिक्विड ले लेते हैं, इनको मिला के फिर इनमें लगाते जाते हैं, और एक सूखे कपड़े से फिर पोंछेंगे। तो इस प्रकार से डिब्बा जो है तो अच्छे से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को लास्ट तक,